प्यारे परमेश्वर, सच्चे से समय के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। आज के इस बाइबल वचन समय को भी आप आशीषदायक बना के दीजिए। इन वचनों के द्वारा हम हमारे जीवन में आशीष पाने के लिए मदद कीजिए। यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, आमेन। रूथ अध्याय एक। जिन दिनों में न्यायी लोग न्याय करते थे, उन दिनों में देश में अकाल पड़ा। तब यहूदा के बैतलहम का एक पुरुष अपनी स्त्री और दोनों पुत्रों को संग लेकर मोआब के देश में परदेशी होकर रहने के लिए चला। उस पुरुष का नाम एलीमेलेक और उसकी पत्नी का नाम नाओमी और उसके दो बेटों के नाम महलोन और किलियोन थे। ये एप्राती थे, अर्थात यहूदा के बैतलहम के रहने वाले थे। वे मोआब के देश में आकर वहां रहे और नाओमी का पति एलीमेलेक मर गया और नाओमी और उसके दोनों पुत्र रह गए और उन्होंने एक एक मोआबिन स्त्री से विवाह कर लिया। एक का नाम ओरपा और दूसरी का नाम रूथ था। फिर वे वहां कोई 10 वर्ष रहे। जब महलोन और किलियोन दोनों मर गए, तब नाओमी अपने दोनों पुत्रों और पति से रहित हो गई। तब वह मोआब के देश में यह सुनकर कि यहोवा ने अपनी प्रजा के लोगों की सुधी लेके उन्हें भोजन वस्तु दी है, उस देश से अपनी दोनों बहुओं समेत लौट जाने को चली। अतः वह अपनी दोनों बहुओं समेत उस स्थान से जहां रहती थी निकली और उन्होंने यहूदा देश को लौट जाने का मार्ग लिया। तब नाओमी ने अपनी दोनों बहुओं से कहा, तुम अपने अपने मायके लौट जाओ और जैसे तुमने उनसे जो मर गए हैं और मुझसे भी प्रीति की है, वैसे ही यहोवा तुम्हारे ऊपर कृपा करे। यहोवा ऐसा करे कि तुम फिर अपने अपने पति के घर में विश्राम पाओ। तब उसने उनको चूमा और वे चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी और उससे कहा, निश्चय हम तेरे संग तेरे लोगों के पास चलेंगी। नाओमी ने कहा, हे मेरी बेटियों, लौट जाओ, तुम क्यों मेरे संग चलोगी? क्या मेरी कोख में और पुत्र है जो तुम्हारे पति हो? हे मेरी बेटियों, लौट कर चली जाओ, क्योंकि मैं पति करने को बूढ़ी हूँ और चाहे मैं कहती भी कि मुझे आशा है और आज के रात मेरे पति होता भी और मेरे पुत्र भी होते, क्या तुम उनके सयाने होने तक आशा लगाए ठहरी रहती और उनके निमित्त पति करने से रुकी रहती? हे मेरी बेटियों, ऐसा न हो, क्योंकि मेरा दुख तुम्हारे दुख से बहुत बढ़कर है। देखो, यहोवा का हाथ मेरे विरुद्ध उठा है। तब वे फिर से उठी और ओरपा ने तो अपनी सास को चूमा, परंतु रूथ उससे अलग न हुई। तब उसने कहा, देख, तेरी जिटानी तो अपने लोगों और अपने देवता के पास लौट गई है, इसलिए तू अपनी जिटानी के पीछे लौट जा। रूथ बोली, तू मुझसे यह विनती न कर कि मुझे त्याग या छोड़कर लौट जा, क्योंकि जिधर तू जाए उधर मैं भी जाऊंगी, जहां तू टिके वहां मैं भी टिकूंगी। तेरे लोग मेरे लोग होंगे और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। जहां तू मरेगी वहां मैं भी मरूंगी और वहीं मुझे मिट्टी दी जाएगी। यदि मृत्यु छोड़ और किसी कारण मैं तुझसे अलग हूँ, तो यहोवा मुझसे वैसा ही वरन उससे भी अधिक करे। जब उसने यह देखा कि वह मेरे संग चलने को स्थिर है, तब उसने उससे और कुछ न कहा। अतः वे दोनों चल निकली और बैतलहम पहुंची। उनके बैतलहम में पहुंचने पर सारे नगर में उनके कारण हलचल मच गई और स्त्रियां कहने लगी, क्या यह नाओमी है? उसने उनसे कहा, मुझे नाओमी न कहो, मुझे मारा कहो, क्योंकि सर्वशक्तिमान ने मुझको बड़ा दुख दिया है। मैं भरी पूरी चली गई थी, परंतु यहोवा ने मुझे चूची करके लौटाया है। इसलिए जबकि यहोवा ही ने मेरे विरुद्ध साक्षी दी और सर्वशक्तिमान ने मुझे दुख दिया है, फिर तुम मुझे क्यों नाओमी कहती हो? इस प्रकार नाओमी अपनी मोआबिन बहू रूथ के साथ लौटी, जो मोआब देश से आई थी। वे जौ कटने के समय के आरंभ बैतलहम पहुंची। आमेन। गलातियों अध्याय पहला। पौलुस की जो न मनुष्यों की ओर से और न मनुष्यों के द्वारा, वरन यीशु मसीह और परमेश्वर पिता के द्वारा, जिसने उसको मरे हुओं में से जिलाया, प्रेरित है, और सारे भाइयों की ओर से जो मेरे साथ है, गलातिया की कलिसियाओं के नाम, परमेश्वर पिता और हमारे यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे।
उसी ने अपने आप को हमारे पापों के लिए दे दिया, ताकि हमारे परमेश्वर और पिता की इच्छा के अनुसार हमें इस वर्तमान बुरे संसार से छुड़ाए। उसकी स्तुति और बड़ाई युगानुयुग होती रहे। आमीन। मुझे आश्चर्य होता है कि जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह में बुलाया, उससे तुम इतनी जल्दी फिर कर और ही प्रकार के सुसमाचार की ओर झुकने लगे। परंतु वह दूसरा सुसमाचार है ही नहीं, पर बात यह है कि कितने ऐसे हैं जो तुम्हें घबरा देते और मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते हैं। परंतु यदि हम या स्वर्ग से कोई दूत भी उस सुसमाचार को छोड़ जो हमने तुमको सुनाया है, कोई और सुसमाचार तुम्हें सुनाए तो शापित हो। जैसा हम पहले कह चुके हैं, वैसा ही मैं अब फिर कहता हूँ कि उस सुसमाचार को छोड़ जिसे तुमने ग्रहण किया है, यदि कोई और सुसमाचार सुनाता है तो शापित हो। अब मैं क्या मनुष्यों को मनाता हूँ या परमेश्वर को? क्या मैं मनुष्यों को प्रसन्न करना चाहता हूँ? यदि मैं अब तक मनुष्यों को ही प्रसन्न करता रहता तो मसीह का दास न होता। हे भाइयों, मैं तुम्हें बताए देता हूँ कि जो सुसमाचार मैंने सुनाया है वह मनुष्य का नहीं, क्योंकि वह मुझे मनुष्य की ओर से नहीं पहुँचा और न मुझे सिखाया गया, पर यीशु मसीह के प्रकाशन से मिला। यहूदी मत में जो पहले मेरा चाल चलन था, उसके विषय तुम सुन चुके हो कि मैं परमेश्वर की कलीसिया को बहुत ही सताता और नष्ट करता था। अपने बहुत से जाति वालों से जो मेरी अवस्था के थे, यहूदी मत में अधिक बढ़ता जाता था और अपने बाप दादों की परंपराओं के लिए बहुत ही उत्साही था। परंतु परमेश्वर की, जिसने मेरी माता के गर्भ ही से मुझे ठहराया और अपने अनुग्रह से बुला लिया, जब इच्छा हुई कि मुझ में अपने पुत्रों को प्रकट करे कि मैं अन्य जातियों में उसका सुसमाचार सुनाऊं, तो न मैंने मांस और लहू से सलाह ली और न यरूशलेम को उनके पास गया जो मुझसे पहले प्रेरित थे, पर तुरंत अरब को चला गया और फिर वहां से दमिश्क को लौट आया। फिर 3 वर्ष के बाद मैं कैफा से भेंट करने के लिए यरूशलेम गया और उसके पास 15 दिन तक रहा। परंतु प्रभु के भाई याकूब को छोड़ और प्रेरितों में से किसी से न मिला। जो बातें मैं तुम्हें लिखता हूँ, देखो परमेश्वर को उपस्थित जानकर कहता हूँ कि वे झूठी नहीं। इसके बाद मैं सीरिया और किलिकिया के प्रांतों में आया, पर यहूदिया की कलीसियाओं ने जो मसीह में थी मेरा मुंह कभी नहीं देखा था, परंतु यही सुना करती थी कि जो हमें पहले सताता था वह अब उसी विश्वास का सुसमाचार सुनाता है जिसे पहले नष्ट करता था, और वे मेरे विषय में परमेश्वर की महिमा करती थी। आमीन। गलातियों अध्याय 2। 14 वर्ष के बाद मैं बरनबास के साथ फिर यरूशलेम को गया और तीतुस को भी साथ ले गया। मेरा जाना ईश्वरीय प्रकाशन के अनुसार हुआ, और जो सुसमाचार मैं अन्य जातियों में प्रचार करता हूँ उसको मैंने उन्हें बता दिया, पर एकांत में उनको जो बड़े समझे जाते थे, ताकि ऐसा न हो कि मेरी इस समय की या पिछली दौड़ धूप व्यर्थ ठहरे। परंतु तीतुस को भी, जो मेरे साथ था और जो यूनानी है, खतना कराने के लिए विवश नहीं किया गया। यह उन झूठे भाइयों के कारण हुआ जो चोरी से घुस आए थे, कि उस स्वतंत्रता का जो मसीह यीशु में हमें मिली है वेद लेकर हमें दास बनाए। एक घड़ी भर उनके अधीन होना हमने न माना, इसलिए कि सुसमाचार की सच्चाई तुम में बनी रहे। फिर जो लोग कुछ समझे जाते थे, वे चाहे कैसे भी थे, मुझे इससे कुछ काम नहीं। परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। उनसे जो कुछ समझे जाते थे, मुझे कुछ भी नहीं प्राप्त हुआ। परंतु इसके विपरीत, जब उन्होंने देखा कि जैसा खतना किए हुए लोगों के लिए सुसमाचार का काम पत्रस को सौंपा गया, वैसा ही खतना रहितों के लिए मुझे सुसमाचार सुनाना सौंपा गया। क्योंकि जिसने पत्रस से खतना किए हुओं में प्रेरिताई का कार्य बड़े प्रभाव सहित करवाया, उसी ने मुझसे भी अन्य जातियों में प्रभावशाली कार्य करवाया। और जब उन्होंने उस अनुग्रह को जो मुझे मिला था जान लिया, तो याकूब और कैफा और यूहन्ना ने, जो कलीसिया के खंभे समझे जाते थे, मुझको और बरनबास को संगति का दाहिना हाथ दिया कि हम अन्य जातियों के पास जाएं, और वे खतना किए हुओं के पास केवल यह कहा कि हम कंगालों की सुधि लें
और इसी काम को करने का मैं आप भी यत्न कर रहा था। पर जब कैफा अंताकिया में आया तो मैंने उसके मुंह पर उसका सामना किया, क्योंकि वह दोषी ठहरा था, इसलिए कि याकूब की ओर से कुछ लोगों के आने से पहले वह अन्य जातियों के साथ खाया करता था। परंतु जब वे आए तो खतना किए हुए लोगों के डर के मारे वह पीछे हट गया और किनारा करने लगा। उसके साथ शेष यहूदियों ने भी कपट किया, यहाँ तक कि बरनबास भी उनके कपट में पड़ गया। पर जब मैंने देखा कि वे सुसमाचार की सच्चाई पर सीधी चाल नहीं चलते, तो मैंने सबके सामने कैफा से कहा, जब तू यहूदी होकर अन्य जातियों के समान चलता है और यहूदियों के समान नहीं, तो तू अन्य जातियों को यहूदियों के समान चलने को क्यों कहता है? हम तो जन्म से यहूदी है और पापी अन्य जातियों में से नहीं। तो भी यह जानकर कि मनुष्य व्यवस्था के कामों से नहीं पर केवल यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा धर्मी ठहरता है, हमने आप भी मसीह यीशु पर विश्वास किया कि हम व्यवस्था के कामों से नहीं पर मसीह पर विश्वास करने से धर्मी ठहरे, इसलिए कि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी धर्मी न ठहरेगा। हम जो मसीह में धर्मी ठहरना चाहते हैं, यदि आप ही पापी निकले तो क्या मसीह पाप का सेवक है? कदापि नहीं, क्योंकि जो कुछ मैंने गिरा दिया यदि उसी को फिर बनाता हूँ तो अपने आप को अपराधी ठहराता हूँ। मैं तो व्यवस्था के द्वारा व्यवस्था के लिए मर गया कि परमेश्वर के लिए जीऊँ। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ, अब मैं जीवित न रहा पर मसीह मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। मैं परमेश्वर के अनुग्रह को व्यर्थ नहीं ठहराता, क्योंकि यदि व्यवस्था के द्वारा धार्मिकता होती तो मसीह का मरना व्यर्थ होता। आमीन। भजन संहिता अध्याय 58। हे मनुष्यों, क्या तुम सचमुच धर्म की बात बोलते हो? हे मनुष्य वंशियों, क्या तुम सीधाई से न्याय करते हो? नहीं, तुम मन ही मन में कुटिल काम करते हो। तुम देश भर में उपद्रव करते जाते हो। दुष्ट लोग जन्मते ही पराये हो जाते हैं, पेट से निकलते ही झूठ बोलते हुए भटक जाते हैं। उनमें सर्प का सा विष है, वे उस नाक के समान है जो सुनना नहीं चाहता। और सपेरा कितनी भी निपुणता से क्यों न मंत्र पढ़े तो भी उसकी नहीं सुनता। हे परमेश्वर, उनके मुंह में से दांतों को तोड़ दे। हे यहोवा, उन जवान सिंहों की दाढ़ों को उखाड़ डाल। वे घुल कर बहते हुए पानी के समान हो जाए। जब वे अपने तीर चढ़ाएं, तब तीर मानो दो टुकड़े हो जाएं। वे गोंगे के समान हो जाएं, जो घुल कर नष्ट हो जाता है, और स्त्री के गिरे हुए गर्भ के समान हो जिसने सूरज को देखा ही नहीं। इससे पहले कि तुम्हारी हांडियों में कांटों की आंच लगे, हरे व जले दोनों को वह बवंडर से उड़ा ले जाएगा। धर्मी ऐसा पलटा देकर आनंदित होगा, वह अपने पांव दुष्ट के लहू में धोएगा। तब मनुष्य कहने लगेंगे, निश्चय धर्मी के लिए फल है, निश्चय परमेश्वर है जो पृथ्वी पर न्याय करता है। आमीन। प्यारे परमेश्वर, इस अच्छे से समय के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। जैसे पौलुस कहते हैं, मसीह मुझ में जीवित है, उसी प्रकार हम भी उस विश्वास के साथ जीवित रहने के लिए मदद कीजिए। और जैसे रूत ने आपके ऊपर स्थिर होकर आपसे पीछे नहीं हटी, उसी प्रकार हम भी आपके ऊपर स्थिर होकर आपसे पीछे नहीं हटना चाहिए परमेश्वर। और भी हमारा विश्वास और भरोसा आपके ऊपर बढ़ने के लिए हम प्रार्थना करते, यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, आमीन। गॉड ब्लेस यू।